ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, पौष मास की आगे की कथा में आज सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का अष्टम अध्याय। इस अध्याय में जानेंगे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पूर्व वंश में जन्म लेने के कारण वह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सभ्य हो गया है। धन्य है आप, निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमय माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। अब मैं शूद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं श्री शंकरसन भगवान ने शनकादि ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदि देव भगवान शंकरसन पाताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं। उनके कमल कोष सरीखे नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों के आधार के लिए उन्होंने अध खुले नेत्रों से देखा। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटा समूह से उनके चरण की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसकी नागराज कुमारियां अभिलषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा करती है। सनत कुमार आदि उनकी लीला के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने बार बार प्रेम गद्य वाणी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष भगवान के उठे हुए सहस्त्रों फन किरीटों की सहस्त्र सहस्त्र श्रेष्ठ मणियों की छिड़कती हुई रश्मियों से जगमगा रहे थे। भगवान शंकरसन ने निवृत्ति परायण सनत कुमार जी को यह भागवत सुनाया तथा ऐसा प्रसिद्ध है। सनत कुमार जी ने फिर इसे परम व्रतशील सांख्यायन मुनि को उनके प्रश्न करने पर सुनाया। परम हंसों में प्रधान श्री सांख्यायन जी को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने इसे अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु श्री पराशर जी को और बृहस्पति जी को सुनाया। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने पुलस्त्य मुनि के कहने से वह आदि पुराण मुझसे कहा। वत्स श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष सैया पर वह अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्य रखते हुए ही योग निंद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मुंदे हुए थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मानंद में मग्न थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ट में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। इस प्रकार अपनी स्वरूप भूता के साथ एक सहस्त्र चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनको काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीरादि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुण से क्षोभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ। वह सूक्ष्म तत्व कमल कोष के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को
दे दिव्य मान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय कमल में हुए विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उसमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। उस कमल की कर्णिका में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोग दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में चार मुख हो गए। उस समय प्रलय कालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंग मालाओं के कारण उस जलराशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदि देव ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्व स्वरूप कमल का कुछ भी रहस्य ना जान पड़ा। वे सोचने लगे, इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहाँ से उत्पन्न हो गया? इसके नीचे अवश्य कोई ऐसा वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है। ऐसा सोचकर वे उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसे, किंतु उस नाल के आधार पर कोई खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर वे उसे पा न सके। विदुर जी उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया। यह काल ही भगवान का चक्र है जो प्राणियों को भयभीत करता रहता है। अतः अंत में विफल मनोरथ हो वे वहाँ से लौट आए और पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राण वायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को, जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे, अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते देखा। उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में शेष जी के कमल नाल सदृश गौर और विशाल विग्रह की सया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फन छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकों पर किरीट शोभायमान है। उनमें जो मनियां जड़ी हुई हैं, उनकी कांति से चारों ओर का अंधकार दूर हो गया है। वे अपने श्याम शरीर की आभा से मरकत मणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। उनकी कमर का पीठपट पर्वत के प्रांत देश में छाए हुए सायंकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा को मलिन कर रहा है। सिर पर सुशोभित सुवर्ण मुकुट सुवर्णमय शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। उनकी वनमाला पर्वत के रत्न जल प्रपात औषधि और पुष्पों की शोभा को परास्त कर रही है तथा उनके भुजदंड वेणुदंड का और चरण वृक्षों का तिरस्कार करते हैं। उनका वस्त्री विग्रह अपने परिमाण से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए है। वह अपनी शोभा से विचित्र एवं दिव्य वस्त्राभूषणों की शोभा को सुशोभित करने वाला होने पर भी पीताम्बर आदि अपनी वेशभूषा से सुसज्जित है। अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न भागों में से पूजा करने वाले भक्तजनों को कृपा पूर्वक अपने चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं। जिनके सुंदर अंगुली दल नख चंद्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं। सुंदर नासिका अनुग्रह वर्णी कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा बिंबा फल के समान लाल लाल अधरों की कांति एवं कोलारतिहारी मुस्कान से युक्त मुखारविंद के द्वारा वे अपने उपासकों का सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। बस उनके नितंब देश में कदम कुसुम की केसर के समान पीत वस्त्र और सुवर्णमय मेखला सुशोभित है तथा वक्षस्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्रीवत्स चिन्ह की अपूर्व शोभा हो रही है। वे अव्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान है। महामूल्य केवर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनके विशाल
भुज दंड ही मानो उसकी सहस्त्रों शाखाएं हैं और चंदन के वृक्षों में जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं उसी प्रकार उनके कंधों को शेष जी के फनों ने लपेट रखा है। वे नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वत राज ही हो। पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी के फनों पर जो सहस्त्र मुकुट है वही मानो उस पर्वत के सुवर्ण मंडित शिखर हैं तथा वक्षस्थल में विराजमान कौस्तुभ मणि उनके गर्भ से प्रकट हुआ रत्न है। प्रभु के गले में वेद रूप भौरों से गुंजायमान अपनी कीर्तिमयी वनमाला विराज रही है। सूर्य चंद्र वायु और अग्नि आदि देवताओं को भी आप तक पहुँच नहीं है तथा त्रिभुवन मीन वेरो टोक निविचरण करने वाले सुदर्शन चक्रादि आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं। उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ हैं। तब विश्व रचना की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल जल आकाश वायु और अपना शरीर केवल ये पांच ही पदार्थ देखे, इसके सिवा और कुछ उन्हें दिखाई नहीं दिया। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। जब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल ये पांच ही पदार्थ देखे तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण हुए त्रिहरि से चित लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का अष्टम अध्याय समाप्त। आगे की कथा दूसरी वीडियो में सुनेंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण एवं भगवान विष्णु की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।